वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया था। एक दो लेक्चर बचे थे, आज ये इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कि कॉन्सेप्ट उनका समझना पड़ता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक बार आता है, चाहे मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ या तो मैं बात कर लेता हूँ नीट की, आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी की इसमें लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहली बात मुझे ये आना चाहिए मेरे दिमाग में कि भैया ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या, इसमें हम काम क्या करते थे। तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम काम क्या करते थे कि जो डीएनए है उनमें जो बेस पेयर पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते थे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है इसको हम मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके बहुत सारे रीजन थे, मैं आपको बताने वाला हूं। एनसीईआरटी ने सारे पॉइंट को लिख रखा है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सन 1990 में और इस प्रोजेक्ट को समाप्त कब किया गया, पूर्ण कब हो गया, तो 2003 में ये पूर्ण। अगर आप देखेंगे तो टोटल 13 वर्ष का टाइम बीच में आता है। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का टाइम आता है और ये एक लंबा समय होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? अगर एनसीईआरटी हमारी एक लाइन और कहती है कि भले ही ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट की स्टडी 2006 तक चलती रही और 2006 में क्रोमोसोम फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जब भी आएंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं खर्चा कितना आया था। तो एक बेस पेयर की स्टडी के लिए हमको $3 का खर्चा आया। टोटल 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर बच्चा पाए जाते हैं। अब आप अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो टोटल $9 बिलियन का खर्चा आया था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है अपने आप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि जो मैं इस प्रोजेक्ट में स्टडी कर रहा था उसको अगर मैं बुक में लिखना चाहूं तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि मुझको एक बुक जो कि 1000 पन्ने की है, अगर मैं एक पन्ने में 1000 न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखता हूं तब मुझको ऐसी 3300 बुक की जरूरत पड़ेगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना डाटा इससे रिलीज हुआ था, ठीक है? बहुत बड़ा डाटा था जिसको हम बुक में तो नहीं रख सकते थे, तो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए इसके लिए और ऐसी इंफॉर्मेशन, इसको मैं बोलता हूं ऐसी बायोलॉजी की शाखा जिसमें हम अपनी जानकारी को स्टोर करते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एनसीईआरटी ने यूज किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा कि अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात आती है तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अपने बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करते हैं और बाद में फिर इसको यूज करते हैं, इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि भैया इसकी योजना में नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने कई सारे प्रोजेक्ट अपने स्कूल में किए होंगे, तो ग्रुप बनता है, ग्रुप का एक हेड होता है। तो जो ये योजना स्टार्ट किया था, ये योजना का हेड जो थे पहले शुरुआत में, वो थे जेडी वॉटसन, इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में ये चेंज हुए और इनके जगह आए फ्रांसिस कॉलिंस, बाद में इन्होंने अपना नेतृत्व भी प्रदान किया था। यह बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मैं देश की बात करता हूं तो यूएस तो था ही, यूएस के साथ इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये भी इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित थे, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? मैं इसको इंटरनेशनल, कोई भी चीज इंटरनेशनल तब बोली जाती है जब उसमें दो या दो से अधिक देश आ जाते हैं, यानी यहां पर एक ही देश बस नहीं था, यूएस में भले चल रहा था लेकिन साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जापान ये भी नेतृत्व कर रहे थे, ये भी पैसा रुपया दे रहे थे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जीनोम प्रोजेक्ट कैसे हम लोग वर्क करते थे या कैसे कैसे विधियां हमने अपनाई। तो जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए का जो क्रम होता है उसका पता लगाने के लिए हमने दो विधियां अपनाई, जिनमें से पहली विधि है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इसको हम ESTs के नाम से भी जानते हैं। इसमें करते क्या थे हम लोग, तो बहुत सारा डीएनए होता है, सभी को पता है डीएनए में स्पेसिफिक जगह होती है जहां से एमआरएनए बनता है। क्या बनता है बच्चा? जहां से एमआरएनए बनता है।
और इसी एमआरएनए से क्या बनने वाली है, इसी एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाली है। तो हमने केवल उन जीनोम का अध्ययन किया जो एमआरएनए बनाती थी, बाकी जीनोम का हम अध्ययन नहीं किया। अब सपोज दैट इतना बड़ा डीएनए है, इसमें यहां से ये भी एमआरएनए बना रहा है और ये भी एमआरएनए बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, बाकी का पार्ट एमआरएनए नहीं बना रहा, तो हमने बाकी के पार्ट का अध्ययन नहीं किया, जो जो एमआरएनए बना रहा था उसी का हमने अध्ययन किया इस टेक्निक के जरिए। लेकिन जब सेकेंड टेक्निक आती है जिसका मैं नाम क्या बोलता हूं, सिक्वेंस एनोटोम, सिक्वेंस एनोसिएशन। अब सिक्वेंस एनोसिएशन में हम क्या करते थे, इसमें हम पूरे डीएनए की स्टडी करते, कैसे करते थे, पहले हम डीएनए का आइसोलेशन करते थे। सर ये डीएनए का आइसोलेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं आपको। डीएनए का आइसोलेशन का मतलब होता है भैया कि आप किसी से डीएनए निकाल लीजिए, सपोज दैट आपके पास बाल है, आपके पास नाखून है, आपके पास कोई सेल है, आपके पास ब्लड है, वहां से डीएनए के निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन। हम करते क्या है बच्चा, यहां से हम क्या करते हैं डीएनए को निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां से डीएनए को निकाल लिया। अब इस डीएनए को जब मैंने निकाला तो इसको मैं बोलता हूं डीएनए का मैंने आइसोलेशन कर दिया, मैंने डीएनए प्राप्त कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, अब मैं डीएनए का पाचन करूंगा। सर पाचन कहने का क्या मतलब होता है, किसी भी पाचन की डिफिनेशन क्या होती है, पाचन की डिफिनेशन होती है कि छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देना, तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। मैं क्या करूंगा, इस डीएनए को छोटे छोटे अणुओं में क्या करूंगा, छोटे छोटे अणु में यहां पर नहीं कहूंगा, मैं खंड का नाम लेता हूं, छोटे छोटे खंडों में मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करता हूं, कमेंट करें। तो इसके लिए जो मैं एंजाइम यूज करता हूं बता दे रहा हूं, मैं एंजाइम यूज करता हूं एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। समझ में आ गया, आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हमने खंड प्राप्त कर लिए, अब हमारे पास डीएनए के खंड है। अब इन डीएनए के खंडों को हम लेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, एनसीईआरटी एलिमेंट ने लिख रखा है और क्वेश्चन भी एक बार बहुत ही घुमा के पूछा गया। ये जो खंड मैं तोड़ रहा था, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो खंड तोड़ रहा हूं वो रेंडम खंड है, मैं कोई स्पेसिफिक जगह से नहीं डीएनए को काट रहा हूं। मैंने एंजाइम मिलाया और एंजाइम ने जहां जहां से डीएनए को तोड़ दिया, उस जहां से भी तोड़ना चाहा, सपोज दैट ये डीएनए है, ये मैंने क्या बना दिया बच्चा डीएनए है, मैंने इसमें एंजाइम मिलाया जो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, या तो इसको यहां से तोड़ दिया, तो यहां से तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ दिया, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक जगह यहां पर नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी ने रेंडम वर्ड का यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है। हमने रेंडम खंड बनाए, कहीं से भी तोड़ दिए, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब इन रेंडम खंड को मैं लूंगा और क्लोनिंग कर दूंगा। सर क्लोनिंग क्या होती है, तो क्लोनिंग बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। क्लोनिंग में हम करते क्या, सपोज दैट मेरे पास दो खंड थे, कितने खंड थे, मेरे पास दो खंड है, इन दो खंड को मैं 100 खंड बनाना चाहूं, मैं इनको 200 खंड बनाना चाहूं, या मैं और इससे अधिक खंड बनाना चाहूं, तो इसके लिए मुझको क्लोनिंग करनी पड़ती है। क्लोनिंग का सीधा सा मतलब यह है कि हमें नंबर को इंक्रीज कर देना है। क्या कर देना बच्चा, नंबर को इंक्रीज कर देना, और इसके लिए हम होस्ट का यूज करते हैं। हमने क्लोनिंग किसके जरिए की, बाई होस्ट के जरिए की, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज और ईस्ट का प्रयोग किया। किसका किसका, बैक्टीरियोफेज और ईस्ट का प्रयोग किया। हम यहां पर और भी एक चीज कर सकते हैं क्या, PCR टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। सर PCR टेक्नोलॉजी क्या होती है, आगे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, PCR ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लोनिंग करती है। क्या करती है, ये भी क्लोनिंग करती है, मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर को इंक्रीज करती है। अभी केवल आपको इतना याद रखना है, हमने क्या कर ली, क्लोनिंग कर ली। अब क्लोनिंग के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में हम लोग बना लेंगे, और इसके लिए हम यूज करते हैं एक प्रोसेस को या एक मेथड को, जिसको हम बोलते हैं फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत को, ठीक है। इनका एक सिद्धांत था जिसे का, ये पूरी एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जो इन क्लोन्स को क्या करती है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में अपने आप सेट कर देती है। अब मैं क्या करता हूं इसको, अब ये जो सेट हो चुके हैं पूरे डीएनए, इसमें मैं ओवरलैपिंग को देखता हूं, और इस ओवरलैपिंग क्या होती है इसको समझिए पहले। ओवरलैपिंग ऐसे होती है, सपोज दैट ये मैंने एक सीट ली, यहां पर मैंने ये डीएनए बना दिए, ठीक है, ये मैंने एक डीएनए बना दिए ये ऐसे। अब कौन सा डीएनए कौन से किसके पास है, कितना दूर है, जो जितना पास होगा उसमें हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग हो रही होगी। और इसको हमने किसके जरिए देखा, कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए। अब ये पॉसिबल नहीं था कि 3.3 × 10⁹ बेस ऑफ वो बेस पॉइंट बेस पेयर पाए जाते हैं उनका पूरे का हम लोग क्या कर पाए, ऐसे ही एक चीजें देखें, तो पॉसिबल हम लोगों के लिए नहीं था। तो हमने प्रोग्राम बना दिया, पॉसिबल था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता और 100 साल लग जाते हैं इसमें।
हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद ली जो क्या करता था, ओवरलैपिंग के बारे में बता देता था। और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस कौन बनाता था, इस कौन से सिद्धांत से बनता था, फ्रेडरिक सिंगर के सिद्धांत से। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ये पूरी बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डीएनए के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो सॉरी डीएनए के उद्देश्य बोल रहा हूं, यहां पर जो जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसके कई उद्देश्य थे। पहले तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उन्हें की स्टडी करना, डीएनए में 3.3×10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं उनके अनुक्रमों को पता लगाना, उनकी जानकारी को स्टोर करना, कौन सी जीन कौन सी प्रोटीन को बना रही है, हर एक जीन की स्टडी करना, ठीक है, और कौन सी जीन किसी को कोड नहीं कर रही है, कितनी परसेंट जीन है जो प्रोटीन बना रही होंगी, कितनी परसेंट जीन है जो कुछ नहीं कर रही होंगी, ये सारी जानकारी हमने, हमारा उद्देश्य था कि ये सारी जानकारी हमें मिले और इस जानकारी का यूज आगे चल के हम कृषि में कर सके, हम अनुवांशिक सुधार में कर सके, हम मानव के लिए कर सके, हम चिकित्सा के लिए कर सके। अब सपोज दैट हमें पता चल गया कि हीमोफीलिया जो होती है वो इस जीन के कारण होती है और इस तरह ये आती है, तो हम कई सारी चीजें वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य मैंने लिख भी दिया, सारे पॉइंट एनसीईआरटी के समझा भी दिया आपको। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मानव जीनोम के लक्षण को देख लेते हैं। देखो इनमें लक्षण क्या थे, मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियोटाइड क्षार पाए जाते हैं, ठीक है, इतने पूरे जीनोम में न्यूक्लियोटाइड क्षार पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं एक जीन की, तो एक जीन में औसतन 3000 क्षार पाए जाते हैं और इन्हीं क्षारों की वजह से क्या होता है, इनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। भले ही इनमें औसतन इतना पाया जाता है, कम ज्यादा हो सकते हैं, उनके आधार पर इनकी लंबाई या आकार भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा जीन ड्रोसोफिला का था जिसमें 2.4 मिलियन क्षार पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लगभग 99.9 न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो सभी मनुष्यों में समान होते हैं, मैंने पहले भी इस चीज को बता रखा है, 0.1% से भी कम विभिन्नताएं सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं, जिसे हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये चीज मैंने पहले भी बता दी है आपको, ठीक है। खोजे गए 50% जीन का कार्य अभी भी अज्ञात है, हम नहीं पता कर पाए कि ये जीन का वर्ग क्या है, ये काम क्या करती होंगी, 50% से कम ही हम जानते हैं कि कौन सी जीन क्या करती है या किसको कोड कर सकती है, ठीक है। सबसे अधिक जीन किस पर, सबसे अधिक जीन जो होती है वो होती है 2968 यानी 2968, और सबसे कम जीन कहां पर पाई जाती है, जो सबसे कम जीन पाई जाती है वो होती है 331 जी, ठीक है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि भाई गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं, इसको भी बोलना पड़ेगा, तो जो गुणसूत्र होते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो गुणसूत्र होते हैं, सबसे ज्यादा जीन किसी गुणसूत्र में अगर पाई जाती है तो जीन कितनी है, 2968 है, और सबसे कम जीन अगर किसी गुणसूत्र में पाई जाती है तो वो 231, ठीक है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के थे। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो वैज्ञानिकों को 1.4 मिलियन ऐसे स्थलों का पता चला जहां पर डीएनए की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं एकल क्षार डीएनए विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मैं इसको समझाऊंगा और भी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या होता है। अब देखो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, ईस्ट हो गया, इकोलाई हो गया, माउस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, इनके जीनोम की मैपिंग करने के भी प्रयास किए, जिनमें से हमने सबसे पहले ईस्ट के संपूर्ण जीनोम की स्टडी 1996 तक कर ली, ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं भैया कि यहां पर एकल क्षार डीएनए विभिन्नताएं क्या होती है। मैं यहां पर दो आदमी ले रहा हूं, ये एक प्यारा सा मैंने आदमी बना दिया, ये एक बहुत ही प्यारा सा मैंने एक आदमी बना दिया। इनके मैं क्या बना देता हूं, इनके मैं डीएनए बना देता हूं, ठीक है। इनके मैंने डीएनए बना दिए, ये मैंने इनके क्या किए, डीएनए बना दिए, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझना। सपोज दैट यहां पर जो कोड है ए जी सी, यहां पर टी, इस तरह कोड है, तो एकल क्षार विभिन्नता का मतलब ये होता है कि टी की जगह टी है, ए की जगह ए है, जी की जगह यहां पर सी हो गया और यहां पर सी ही है। तो विभिन्नता किस पर आई, केवल एक क्षार युग्म पर आएगी नहीं आई, यहां यहां विभिन्नता आ गई। ये दोनों अलग अलग जीन, दोनों अलग अलग डीएनए है, ध्यान दीजिएगा,
दोनों अलग अलग डिग्री हैं, जो विभिन्नता देखने के लिए मिली वो केवल एक क्षण पर देखने के लिए मिली, और इसी के यूज हम करते हैं आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर, जो कि मैंने आपको पढ़ा भी दी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं जिन्हें आपको स्वयं से पढ़ना है, इनमें कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आती याद रखने में, केवल आपको याद रखना, जैसे भी कोशिश करें इसको याद रखने की आप याद रख लीजिएगा। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। आज से इस चैप्टर को भी टाटा बाय बाय बोलते हैं। ठीक, थैंक यू।